حي على الفلاح ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون محترم حاضرین رمضان کا मुबारक महीना बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहा है अभी चंद रोज़ कबल की बात है कि हम और आप इस माह मुबारक के इस्तेबाल की तैयारी कर रहे थे और देखते ही देखते ये मुबारक महीना शुरू भी हो गया और आज इसकी आठ तारीख हो गई एक हफ़्ता इसका गुज़र गया तो आयाम बहुत तेज़ी के साथ गुज़रते हैं ये ख़ैर व बरकत का महीना है इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है तरबियत और तस्कीय का महीना है इस मुबारक महीने की सातों से फ़ायदा उठाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरबियत का सामान कर सकते हैं अपने अंदर तकवा की अफजाइश कर सकते हैं अल्लाह काब हासिल कर सकते हैं इसकी मुबारक सातों की कदर करनी चाहिए और सही तौर से इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए अल्लाह ताला का इरशाद है कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें क़ुरान मजीद नाजिल हुआ जो तमाम इंसानों के लिए हिदायत का सामान है और उसमें हिदायत की वाज निशानियाँ हैं हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज़ करने के रोशन दलाइल हैं तो तुम से जो कोई भी रमज़ान का महीना पाए उसे चाहिए कि इसका रोज़ा रखे और अगर कोई बीमार हो या मुसाफिर हो तो वो दूसरे दिनों में उन रोज़ों की कज़ा कर सकता है अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है तुमको परेशानी में मुबतला करना नहीं चाहता ताकि तुम अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करो और पूरी जो मुद्दत है उसकी तकमील करो और अल्लाह का शिक्र अदा करो तो ये खैर और बरकत का महीना हमसे बेदारी चाहता है आजम चाहता है हौसला चाहता है मनसूबा बंदा और बंदी और प्लानिंग चाहता है अगर ठीक तौर से हम इसको इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ हम फ़ायदा इससे उठा सकते हैं ये महीना एक तरीके से हमें साल भर के लिए तैयार करता है अगर ठीक से इससे इस्ता किया जाए तो ये बकिया जो 11 महीने हैं उनके लिए हमें तैयार करता है तरबियत के लिहाज से और तस्किया के लिहाज से लेकिन जब गफलत होती है कोताही होती है तो सही तौर से इससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ हैं कुछ ऐसी कोताहियाँ हैं जो रमज़ान में हमसे सरजद होती हैं जिनकी वजह से रमज़ान से हम पूरे तौर से फ़ायदा नहीं उठा पाते उन्हीं में से चंद कोताहियों की तरफ़ आपकी तवज्जो आज मबज़ूल कराना चाहता हूँ इसमें एक चीज़ तो ये है कि जो इखलास मतलूब है जो लिल्लाहियत मतलूब है उसके अंदर अगर कमी होगी रोज़ा अगर इखलास से नहीं रखा जाएगा लिल्लाहियत के साथ नहीं रखा जाएगा तो जाहिर है कि उसके असरात मुरतब नहीं हो सकते जहाँ रोज़ा की फजीलत बयान की गई है वहाँ ये क़ैद भी बताई गई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सामजान ईमान वहते साबा वफ़े लहू मातकद्दमिन जम्बे कि जो लोग रमज़ान के रोज़े ईमान और इख़लास के साथ रखें उनके गुनाहों की बख्शिश हो जाती है यानी ये यकीन कि अल्लाह की जानिब से आयत करदा इबादत है इसलिए हम इसे रख रहे हैं और कोई जज्बा नहीं होना चाहिए और कोई मुहर्रिक नहीं होना चाहिए अल्लाह ने यह फरीज़ा हमारे ऊपर आयत किया है इसलिए हम रोज़े का अहतमाम कर रहे हैं ये ईमानी कैफियत होनी चाहिए और एहताब का मतलब यह है कि अल्लाह के लिए रोज़ा रखें किसी और के लिए रोज़ा नहीं रखना किसी और के दबाव में रोज़ा नहीं रखना किसी और को दिखाने के लिए रोज़ा नहीं रखना सिर्फ़ अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए ज़ाहिर है कि जितनी इबादतें हैं उनकी कबूलीत के लिए ये शरत अवलिन है कि उसमें अखलास हो नमाज़ अल्लाह के लिए रोज़ा अल्लाह के लिए हज अल्लाह के लिए ज़क़़त अल्लाह के लिए जो भी इबादतें अल्लाह के रसूल वसल ने फरमाया है इनल आमालबिनियत आमाल का दार मदार नीयतों पर है यानी आमाल की कबूलीत का दारो मदार नीयतों पर है नीयत अगर सही है तो अमल कबूल होगा और नीयत अगर सही नहीं है तो अमल कबूल नहीं होगा तो रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर मशक्क़त है जिसके अंदर दुशारी है भूख और प्यास की तकलीफ़ बर्दाश की जाती है लेकिन अगर इसके अंदर अखलास ना हो लाहीत ना हो तो अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कोई कदर क़ीमत नहीं होगी तो एक ग़लती ये हो जाती है कि लिलाहियत और अखलास की कमी होती है और उसकी वजह से हमारा रोज़ा ये मुतासर हो जाता है उसके असरात मरतब नहीं होते हैं एक और जो कोताही होती है वो है शहरी में ताखीर करना मतलूब है अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि शहरी में ताखीर और इफ्तार में ताजील जैसे ही वक्त हो जाए फ़ौर इफ्तार करना है उसमें ताख़र नहीं करना है और शहरी आखिर वक्त में करना है। ये फजीलत की चीज़ है होता ही ये होती है कि बहुत पहले शहरी करके सो जाते तो जो अफजल वक्त है शहरी का वो आखिरी वक्त है कि आखिरी वक्त में शहरी करें उसके बाद फिर फज्र की नमाज़ पढ़ें उसके बाद चाहे आराम करें या कोई काम करें तो शहरी में बहुत पहले शहरी कर लेना या इफ्तार में ख़ाम की तख़ीर करना ये दीन के मिजाज के ख़िलाफ़ है अल्लाह ताला जो तकवा हमें सिखाता है रमज़ान में उसकी एक मश्क होती है कि हमें अपने नफ्स से अपने जी से नहीं कुछ करना है जो शरीयत का हुक्म है उस पर अमल करना है जैसे ही सूरज डूबा फ़ौर रोज़ा खोल देना अब वहाँ पाँच मिनट ताखिर सात मिनट ताख़ीर ये सब नहीं है शहरी है बिल्कुल आखिर वक्त में करना है अल्लाह के रसूल ने कहा कि उम्मत खैर पे रहेगी जब तक इफ्तार में ताजील और शहरी में ताख़र करती रहेगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में शहरी करते थे तो इसका भी लिहाज करना चाहिए तीसरी जो कोताही होती है देखिए रमज़ान में जो असल मश्क़ है वो इस बात की मश्क़ है कि खाने पीने में कमी होनी चाहिए इसलिए कि इंसान का मैदा ये एक बहुत बुरा बर्तन है और इसको आदमी भरने के चक्कर में रहता है उसकी वजह से तरह तरह की खराबियां पैदा होती हैं वसल्लम में फरमाया है कि सबसे बुरा बर्तन जिसको कि इंसान भरता है उसका पेट है आदमी के लिए चंद लुकमें काफ़ी हैं जिससे कि उसकी ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहे और तबीयत नहीं मानती है तो एक तिहाई खाने के लिए होना चाहिए एक तिहाई पानी के लिए होना चाहिए एक तिहाई आराम से सांस के आने जाने के लिए होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा खाना बहुत ज़्यादा पीना इफरात और तफरीत से काम लेना ये आदमी के लिए उसकी सेहत के लिहाज से भी मुजिर है रूहानियत के लिहाज से भी मुजिर आदमी सिर्फ खाने के चक्कर में रहे अपनी मादी ज़रूरियात के चक्कर में रहे तो रमज़ान का सबक ये है कि खाने पीने में अतदाल होना चाहिए इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए आदमी भूखा भी रहता है प्यासा भी रहता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिन भर की कसर रात में सब निकाल ली जाए और इफ्तार में एहतियात न की जाए और रात में खाने पीने में अपना वक्त गुजारा जाए तो जो रमज़ान का असल मकसद है वो मकसद फ़ौत हो जाएगा सिर्फ टाइम नहीं बदलना है बल्कि अपने मिजाज को बदलना है अपनी आदत को बदलना अपने अतवार को बदलना है खाना पीने कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं है खाना पीना तो इसलिए कि ज़िंदगी चलती रहे ज़िंदगी का मकसद तो अल्लाह की इबादत करना है अल्लाह का जिक्र करना है अल्लाह की मर्ज़ी के काम करना है तो खाने पीने में कसरत की वजह से इसराफ़ की वजह से रमज़ान का जो असल मकसद है उसका जो असल पैगाम है वो मुतासिर होता है ये कोताही भी सरजत होती है चौथी कोताही एक ये सरजत होती है कि बहुत से रोज़ादार हैं जो रोज़ा रखते हैं और भूख प्यास की तकलीफ़ भी बर्दाश्त करते हैं लेकिन नमाज़ों का एहतमाम नहीं करते दिन में सो रहे हैं जोहर की जमात छूट गई असर की नमाज का ख्याल नहीं तो नमाज का अगर हम एहतमाम नहीं करेंगे तो हमारा रोज़ा कैसे कबूल होगा रोज़ा तो हम इसलिए रखते हैं कि अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया है तो अल्लाह ताला ने नमाज भी फ़र्ज़ करार दी है जमात के साथ पाबंदी के साथ एहतमाम के साथ नमाज पढ़ना चाहिए नमाज में अगर कोताही होगी तो इसका मतलब ये है कि हम रमज़ान की कदर वीमत को नहीं पहचान रहे हैं और रोज़े के पैगाम को नहीं समझ रहे हैं वो तो एत और बंदगी और फर्माबरदारी का पैगाम ले करके आता है जिसने रोज़ा फ़र्ज किया है उसने नमाज फ़र्ज़ किया है तो नमाज में कोताही नहीं होनी चाहिए नमाज में कोताही कभी नहीं होनी चाहिए चाहे रमज़ान हो चाहे गैर रमज़ान हो क्योंकि रोज़े का ताल्लुक रम़ान से है नमाज के तल्लक तो पूरी ज़िंदगी से है हर सूरत में नमाज़ पढ़नी है किसी सूरत में नमाज साखिब नहीं होती है आप बीमार हैं खड़े नहीं हो सकते बैठ के नमाज़ पढ़िए बैठ नहीं सकते हैं लेट करके नमाज़ पढ़िए मैदान जंग में भी नमाज़ पढ़ी जाती है तो नमाज़ तो एक ऐसा फरीज़ा है जो ज़िंदगी भर अदा करना है तो इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए न रमज़ान में होनी चाहिए न रमज़ान के बाद होनी चाहिए इसका भी ख़्याल करना चाहिए एक और कोताही जो होती है कि आदमी अपनी ज़ुबान की हिफाजत नहीं करता रोजादार है और झूठ बोलता है रोज़ाजार है किसी की गिबत करता है बहुतान तराशी करता है चुगुलखोरी करता है अपनी ज़ुबान की हिफाजत नहीं करता है रोज़ा तो इस बात का नाम है कि सिर्फ़ मेदे का रोज़ा ना हो हमारे पूरे वजूद का रोज़ा हो आँख का भी रोज़ा हो कान का भी रोज़ा हो ज़बान का भी रोज़ा हो हाथ और पैर का भी रोज़ा हो आँख से कोई गलत चीज़ न देखें कान से कोई गलत बात न सुने ज़बान से कोई गलत चीज़ न निकालें पूरे वजूद का रोज़ा होना चाहिए रोज़ा एहतात और फरमाबरदारी का नाम अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया मलम यदा कौलत जूर अमल बिही ही फ़ल सलील हाजत अं यदा तमाम शराब कि कोई आदमी अगर रोज़ा रख करके झूठ बोलना न छोड़े गलत काम करना न छोड़े तो अल्लाह ताला को इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपना खाना पीना छोड़े खाना पीना क्यों छोड़ रहा है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है तो उसे अल्लाह के तमाम अहकाम का लिहाज करना चाहिए तो इसका ख्याल रखना चाहिए अपनी ज़बान की हिफाजत कीजिए गालम गलोज न करे कोई आदमी रोज़े से हो अपनी ज़ान का सही इस्तेमाल करे झगड़ा न करे किसी को गाली ना दे कोई अगर उससे झगड़ा करे तो हदीस में आता है कि कह दे इन शायब भाई मैं रोज़े से हूँ मैं झगड़ा नहीं कर सकता मैं गालम गलोज नहीं कर सकता तो ये कोताही होती है कि आदमी अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं करता उसका रोज़ा ख़राब हो जाता अल्लाह के रसूल सर फरमाए कितने रोज़ादार ऐसे हैं कि जिनके खाते में भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं लिखा जाता कोई अजर नहीं कोई शवाब नहीं क्यों उन्होंने अपने रोज़े की हिफाजत नहीं की उसको बचाया नहीं अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल नहीं किया जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया और जो करना जिससे करने से रोका गया था वो किया तो ज़बान की हफाजत भी बहुत ज़रूरी है एक कोताही ये भी होती है कि रमज़ान में लोग अपना वक्त लाहौल में गुजारते हैं इबादात के बजाय दुआ और असकार के बजाय वो फजूल चीज़ों में अपना वक्त गुजारते हैं अब कुछ लोग कैरम बोर्ड लेके बैठ जाते हैं उसी में पूरा टाइम पास कर रहे हैं इस तरह के बहुत से चीज़ें हैं आजकल तो मोबाइल का ज़माना है तो मोबाइल के गेम हैं तो उसको लेकर के बैठ जाते हैं ये वक्त को ज़ाया करना है रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठाना चाहिए सही कामों में इस्तेमाल करना चाहिए तो लहु लहिब में अगर अपने वक्त को हम गुजारें इतनी कीमती रातें इतने कीमती अयाम कि जिसका एक एक पल जो है हमें उसकी कदर करनी चाहिए उससे फ़ायदा उठाना चाहिए उसको अगर हम लहोलह में और बेकार की चीज़ों में गुजार दें तो ये बहुत ही अफसोस की बात होगी और ये रमज़ान की बहुत बड़ी नाकदरी होगी इससे बचना चाहिए इसी तरह से एक कोताही ये होती है कि रमज़ान के महीने में नेकियों का अजर बहुत बढ़ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा अमाल साल करने की कोशिश करनी चाहिए फ़रज़ का अजर भी बढ़ जाता है नवाफिल का अजर भी बढ़ जाता है तो उन उनमाल में बढ़ चढ़ करके हमें हिस्सा लेने की कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम तिलावत करें हम दुआ करें हम ज़िक्र करें इसतफ़ार करें अल्लाह का कुरब हासिल करने की कोशिश करें एक तरह से मौसम बहार है और अपने दामन में नकियाँ समेटने की कोशिश करें अगर हम इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे रमज़ान चला जाएगा गुज़र जाएगा एक हफ़्ता चला गया है बक़िया अयाम भी चले जाएंगे और हमारा दामन ख़ाली का ख़ाली रह जाएगा तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों से अपने दामन को हम भरें। भरेंयाम रमज़ान की बड़ी फज़ीलत है जिसको हम सलात तरावी कहते हैं वो क़याम लैल है वो क़्याम रमज़ान है उसकी बड़ी फजीलत है अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया है मन काम रमज़ान ईमान वहतसाबा गोफ़े लहू मा तकदम मिन जम्बही कि जो लोग रमज़ान में रात की नमाज पढ़ते हैं ईमान और इखलास के साथ उनके गुनाहों की बख्शिश हो जाती है तो इसकी बड़ी फजीलत और पूरे रमज़ान में उसका अहतमाम होना चाहिए देखने में ये आता है कि शुरू में तो कुछ शौक़ और क़ नज़र आता है और मस्जिद में नमाजियों की तादाद भी ज़्यादा रहती है लेकिन धीरे धीरे तादाद कम होने लगती है शौक़ के अंदर कमी आ जाती है और जो एहतमाम होना चाहिए नमाज तरावी का क़्याम रमज़ान का उसमें गफलत होने लगती है ये बात मुनासिब नहीं है पूरे रमज़ान पूरे एहतमाम के साथ पूरे शौक़ के साथ और अगर कोई हाफिज़ है उसके पीछे कुरान सुनने का मौक़ा मिल रहा है ये तो और ज़्यादा शहादत की बात है क़रान पढ़ने और क़ुरान सुनने की अफजल तरीन कैफियत नमाज है नमाज में बंदा अल्लाह से करीब होता है तो नमाज के अंदर कुरान पढ़ने और कुरान सुनने का जो मौक़ा मिलता है बेहतरीन मौक़ा मिलता है ये रमज़ान में हमें मौक़ा मिलता है कि हम तरावी में हाफ़िज़ कुरान के पीछे पढ़ें और पूरा कुरान हमें सुनने का मौका मिले ये बड़ी शहादत की बात है तो इमाम के साथ पूरे तौर से शरीक होना चाहिए चंद रक़ात में शरीक हो उसके बाद चले जाएं तो जाहिर है कि पूरा कुरान जो है आप इमाम के साथ नहीं सुन पाएंगे तो उसका एहतमाम करना चाहिए क़्याम रमज़ान की बड़ी फजीलत है और अल्लाह के रसूल ने बड़ी इसकी तरगीब दी है साहबा इसका बड़ा अहतमाम करते थे असलाफ ने बड़ा इसका अहतमाम किया है तो उसका पूरा एहतमाम करना चाहिए एक और जो चीज़ है जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ता है उसी तरह से रमज़ान की फ़जीलत में इजाफ़ा होता है यहाँ तक कि हम आखिरी जब अशरे में पहुँचते हैं तो आखिरी अशरा ये रमज़ान की बरकतों के लिहाज से बिल्कुल शबाब पे होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब आखिरी अशरा आता था तो रात रात भर इबादत करते थे कमर कस लेते थे घर वालों को भी जगाते थे उनको भी तरगीब देते थे तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़े तो हमारे ओक़ और शौक़ में इजाफ़ा होना चाहिए हमारी इबादतों में इजाफ़ा होना चाहिए हमारी मेहनतों में इजाफा होना चाहिए लेकिन होता है इसके उल्टा जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ता है हमारे अंदर सुस्ती आ जाती <laughs> हमारे अंदर काहली आ जाती है पहले जो क़ और शौक़ है उसके अंदर कमी होने लगती है आप खुद देखते होंगे रमज़ान शुरू हुआ तो मस्जिदों के अंदर काफ़ी रौनक थी और नमाज ऐशा में तरावी में काफ़ी लोग होते थे और एक हफ्ता भी नहीं गुज़रा है कि आधे हो गए लोग ये उल्टा ही हो रहा है रमज़ान जैसे आगे बढ़ रहा है उसी तरह से हमारा शौक़ बढ़ना चाहिए मेहनत बढ़नी चाहिए लेकिन यह मामला उल्टा और ऐसा नहीं करना चाहिए रमज़ान की बरकतें आखिरी अशरे में तो और बढ़ जाएंगी क्योंकि आखिरी अशरे में शब कदर है और शब कदर के बारे में कुरान मजीद की सराहत है ले लतुल्क़द्र खैरुमिनफ शहर शब कदर ऐसी है जो हज़ार महीनों से बेहतर शब क़द्र की इबादत का आप अंदाज़ा कीजिए और अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया मन काम कद्र ईमान वहत साबा गुफ़िरुमात अकदम बिन जम्बे कि जो लोग शब कद्र में अखलास के साथ इबादत करते हैं उनके गुनाहों की बख्शिश हो जाती है तो ये कैफियत बदलनी चाहिए रमज़ान में हमारा क़ शौक कायम रहे और रमज़ान जैसे जैसे आगे बढ़ता है हमारे ओक़ में हमारे शौक़ में और ज़्यादा इजाफा होना चाहिए एक कोताही ये होती है ख़ास तो से नौजवानों की जानब से रात में जगते हैं वो और कहीं खेल रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं और उसके बाद एक दो बजे के बाद सो जाते हैं अब उसका नतीजा ये होता है कि फजर की नमाज़ भी चली जाती है की नमाज़ भी कजा हो जाती है शहरी का जो अफजल वक्त है उस वक्त शहरी नहीं करते फजर की जो नमाज है जो कि फ़र्ज है वो नमाज भी चली जाती है और खाम खा के लिए रत जगा होता है रात में जगना है तो इबादत कीजिए तिलावत कीजिए नफल पढ़िए तहजद पढ़िए खेलने कूदने की रातें हैं रमज़ान के बाद बहुत वक्त है खेलिएगा कूदिएगा तो ये कैफियत बहुत ही गैर मुनासिब है कि रात में देर तक जगा जाए और ख़ाम खा के लिए अपना वक्त ज़ाया किया जाए और जब शहरी का वक्त आए उससे पहले ही सो जाएँ और फज्र की नमाज़ भी चली जाए इससे इजतनाब करना चाहिए एक और कोताही ये होती है कि रमज़ान का महीना ये मरहमत और मवासात का महीना है हमदर्दी का महीना है गरीबों की मदद करने का महीना है दिल खोल के इसमें इन्फाक करना चाहिए अपना माल खर्च करना चाहिए लोगों की मदद करनी चाहिए बोखल नहीं करना चाहिए याद रखिए अल्लाह की राह में ख़र्च करने से माल में कमी नहीं होती कंजूसी करने से माल में कमी होती है सदकात और खैरात से बरकत होती है यमहकुल्ला रबा वयुर सदक़ात अल्लाह सूद लेने वालों की बरकत को ख़त्म कर देता है और सदक़ा देने वालों का माल उसमें इजाफा करता है उसमें बरकत होती है हर दिन दो फरिश्ते नाजिल होते हैं सुबह के वक्त एक फ़रिश्ता कहता है कि अल्लाह जो ख़र्च करने वाले हैं उनको बरकत से नवाज़ दे दूसरा फरिश्ता कहता है कि अल्लाह जो कंजूसी करने वाले हैं उनकी बरकत को ख़त्म कर दे तो रमज़ान में दिल खोल के खर्च कीजिए और अल्लाह के रसुल्वा मामूल था हज़रत इबिन अब्बास रज़ी तुम्हा ने बयान किया है कि नबी व्म बहुत सखी थे और रमज़ान में आपकी सखावत और बढ़ जाती थी क्योंकि रमज़ान में हर रात जबरील्लाम तशरीफ़ लाते थे और नबी सल्ल् उनके साथ कुरान का मुदारसा करते थे हज़रत जबरीलम नबी वम को कुरान सुनाते थे और नबी सल्लम हज़रत जबरील को कुरान सुनाते थे इसकी वजह से आपकी खुशी बहुत बढ़ जाती थी और बहुत खर्च करते थे तो रमज़ान में खूब खर्च कीजिए दिल खोल के खर्च कीजिए अल्लाह ताली ग़ैरमूली अजर देगा अपने पास पड़ोस की खबर ली जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतों की तकमील कीजिए रिश्तेदारों में जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतों की तकबील कीजिए उसमें रिश्तेदारी का भी अजर मिलेगा और इनफाक का भी अजर मिलेगा तो ये कोताही नहीं होनी चाहिए कि हम बोखल से काम लें और अल्लाह के रास्ते में खर्च न करें एक और चीज़ है रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना चाहिए जहाँ आयात श्याम है कुरान में वहाँ ये बात भी कही गई है वहीज़ा शाह का इबादी अन्य फ़न्नी करीब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो उनको मालूम होना चाहिए कि मैं उनसे बिल्कुल करीब हूँ ओजूब दावत दा एजा दा कोई दुआ जब करता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ रमज़ान में खूब दुआ कीजिए रोज़ादार की दुआ कबूल होती है और ख़ास तौर से इफ्तार के वक्त की दुआ कबूल होती है इससे गफलत नहीं होनी चाहिए और अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी दी है कि बंद मोमिन जब हाथ उठाता है अल्लाह से मांगने के लिए अल्लाह ताला उसे खाली हाथ नहीं लौटाता उसकी दुआ किसी न किसी शक्ल में कबूल होती है या तो वही चीज़ मिल जाएगी अगर अल्लाह बेहतर समझेगा या उसके बदले में अल्लाह ताला कोई मुसीबत टाल देगा या जख़ीर आखिरत बना के उसके लिए महफूज कर देगा बैलेंस हो जाएगा उसका तो साहबा ने कहा तब तो हम खूब दुआ करेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके दरबार में क्या कमी है सारी दुनिया के लोग अगर इकट्ठा होकर के मांगे और अल्लाह ताला सबकी मुराद पूरी कर दे तो उसके ख़जाने में कितनी कमी होगी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक समंदर में अगर सुई डालें और सुई डाल के निकालें तो जितना पानी कम होगा समंदर का अल्लाह के ख़जाने में उतनी ही कमी सबकी मुराद पूरी कर दे सब कुछ अल्लाह के हाथ में ज़मीन और आसमान के ख़जाने सब उसके उसका कोई कमी नहीं खूब मांगिए दुआ कीजिए रोज़ादार की दुआ कबूल होती है आखिरी अशरे में एतकाफ की सुन्नत को ज़िंदा कीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में अहतक करते थे मोतकब जो होता है वो दस दिन के लिए इबादत के लिए यकसू हो जाता है अल्लाह के ज़िक्र के लिए यकसू हो जाता है ये बहुत ही फजीलत की चीज़ है और एक अहम सुन्नत है उसको ज़िंदा रखने की कोशिश करना चाहिए उसमें कोताही नहीं करना चाहिए एक चीज़ का और ख़्याल कीजिए कि रमज़ान का महीना ये इबादत का महीना है मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी लेकिन ऐसा लगता है कि ये रमज़ान का महीना औरतों के लिए मार्केटिंग का महीना बाजारों में भीड़ है आप ख्याल ना करें तो औरतें धक्का देते हुए आपको चली जाएंगी ये जो भीड़ है औरतों की बाजारों में ये नहीं होनी चाहिए इसमें कोताही मर्दों की है अगर हम नहीं ख्याल करेंगे तो कौन ख्याल करेगा अपने घर की औरतों का ख्याल रखना उनके ऊपर नजर रखना आपने छूट दे दिया है मर्द आज़ाद हो गया है सब कुछ उन्हीं को ख़रीदारी करनी है यहाँ तक कि इफ्तार का सामान भी वही खरीद के लाती कपड़ा लत्ता तो खरीदती ही थी हर काम उन्हीं के जिम्मे हो गया बाजार में देखिए तो हर तरफ़ बुरका ही बुरका नज़र आता है ये बात मुनासिब नहीं उनको भी इबादत करना है उनको भी रमज़ान से फ़ायदा उठाना है तो हमारी आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस सिलसिले में उन पर नज़र रखें और एक आखिरी चीज़ जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ रमज़ान ये नज़ुल कुरान का महीना है और क़ुरान की सालगिरह का महीना है ये इस महीने में क़ुरान से हमारा ताल्लुक़ बढ़ जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तलावत की कोशिश हो कुरान का तर्जुमा पढ़ने की कोशिश हो कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत करने की कोशिश हो हकीकत में रमज़ान हमको हामिल कुरान बनाने के लिए आता है और कुरान की अज़मत का एहसास दिलाने के लिए आता है रमज़ान में अगर हमारा ताल्लुक़ कुरान से मजबूत हो जाएगा तो साल के बाकी अयाम में भी उसके असर बाकी रहेंगे तो इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए कुरान से अपने ताल्लुक को बढ़ाइए कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने समझने और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए रमज़ान कुरान की अहमियत को बताने के लिए आता है और कुरान से हमारे ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए आता है अल्लाह से दुआ है कि इन कोताहियों को हमें दूर करने की तौफीक दे रमज़ान के मुबारक महीने से सही तौर से इस्ते की तौफीक दे ताकि ये रमज़ान हमारे लिए खैर और बरकत का ज़रिया बने और हम अपने दामन में ज़्यादा से ज़्यादा नकिया सबेट सके आमीन व आखरुदावाना अनिलहमदल्हर रबीआलमीन अकुला व अस्त फिर उल्कूम अजमैन फस्तक फ़िर रहीम